आप देख रहे हैं समय प्रभात। फर्जीवाड़ा मामले में फरार चल रहे निलंबित आईपीएस वगैरह के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार पर आर्थिक अपराध इकाई के बाद अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपना शिकंजा कस दिया है। बुधवार की सुबह इनके तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई है, जिसके तहत आदित्य कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज्ञात हो कि आईपीएस एवं गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को फर्जी फोन कॉल के मामले में निलंबित भी किया जा चुका है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार पर धारा 13(1)(b), (13)(2), (120)(b) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के चार आरोपी गिरफ्तार है, जबकि निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार फरार चल रहे हैं। ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है, इसका अनुसंधान चल रहा है। कि सबको ये सुझाव दूंगा कि अंदाजे पे बात बिल्कुल ना करें, इसका अनुसंधान चलने दीजिए और बिल्कुल सही समय पर मैं आपको एक एक चीज के बारे में ब्रीफ करूंगा। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।